नेक्स्ट एस्पेक्ट के बारे में बात करते हैं, साइंस एंड टेक्नोलॉजी। विज्ञान के क्षेत्र में गुप्ता एम्पायर और वक्टर के एम्पायर में क्या प्रक्रिया चल रही थी? बात करें अगर हम लोग गुप्ता एम्पायर की, गुप्ता एम्पायर की जो अचीवमेंट्स हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में, स्पेशली मैथमेटिक्स और एस्ट्रोनॉमी, इतिहास में इससे पहले इतनी अचीवमेंट्स किसी और एम्पायर के अंदर नहीं हुई। अगर हम लोग बात करें मैथ्स की, तो द रूट्स ऑफ इंडियन मैथमेटिक्स कैन बी ट्रेस टू शुल्ब सूत्र, विच वर द अपेंडिक्सिस टू द शौरत सूत्र। शुल्ब सूत्र जो है, देवर द मैनुअल्स फॉर द प्रिपरेशन ऑफ द साइट वी आर वेदिक सेक्रीफिशियल रिचुअल्स वर टू बी परफॉर्म। मतलब प्रॉपर तरीके से गणित के माध्यम से ये देखा जाता था, जैसे मतलब मान लो कि एक हवन होना, मान लो वैदिक सेक्रीफिशियल राइट्स में हम करवाने जा रहे हैं हवन, तो ये जो हवन कुंड होगा ये कितना होना चाहिए, 2x यहाँ पर, 2x यहाँ पर, इतना मीटर यहाँ पर, इतना यहाँ पर, तो पूरा कैलकुलेटरी टर्म्स में, जैसा कि हम घर बनवाते हैं, हमें एक जगह मिल रखी होती है कि ये घर 150 गज का है, 200 गज का है, यहाँ पर कमरे किस प्रकार से होने चाहिए, वॉशरूम कितना बड़ा होगा, बाथरूम कितना बड़ा होगा, बालकनी कितनी बड़ी होगी, उसकी प्रॉपर एक कैलकुलेशन होती है जो आर्किटेक्ट हमें करके देता है। तो कुछ ऐसे ही यहाँ पर होता था, और वो कैलकुलेशन आज भी देखो, जब आप घर बनवाते हो तो आप ग्रह नक्षत्र के हिसाब से बनवाते हो, है ना, कि कमरा इस डायरेक्शन में होगा, ऐसे होगा, वैसे होगा, उसके हिसाब से फिर आपका एक परफेक्ट घर का स्ट्रक्चर इमर्ज होकर आता है कि इतने कमरे बन पाएंगे, बाथरूम बनेंगे तो इतने बनेंगे, जो घर का मुख होगा वो इस तरफ होगा, इस डायरेक्शन में होगा, आपका सूरजमुखी घर है, उत्तरमुखी घर है, पश्चिममुखी घर है, ठीक है। तो उस हिसाब से जैसे आज चीज़ें होती हैं वैसे ही यहाँ पर चलती थी। तो इसका जो रूट है वो है शुल्ब सूत्र। तो देवर टू बी परफॉर्म्ड एंड लेट हाउस सेक्रीफिशियल रिचुअल्स एंड वैदिक रिचुअल्स फॉर टू बी परफॉर्म एंड दे लेट द फाउंडेशन ऑफ ज्योमेट्री ऑल्सो। फोर मेजर शुल्ब सूत्र विच आर मैथमेटिकली द मोस्ट सिग्निफिकेंट आर दोज कंपोज बाय बोधायन, मानव, अपस्तम एंड कातियन। जो पाइथागोरस थ्योरम है एंड पाइथागोरियन ट्रिपल्स, इसके अर्लीस्ट एक्सप्रेशंस हमें बोधायन में देखने को मिलते हैं, विच वॉज कंपोज अराउंड 600 BC। यानी कि पाइथागोरस थ्योरम दुनिया में बाद में आई, हम लोग पहले ही दे चुके थे अगर हम लोग बात करें अपने हिंदुस्तान की और गुप्ता एम्पायर की। पाइथागोरस थ्योरम से कौन प्रभावित था और बताओ? बोलो। प्लेटो अपने वर्ष में श्रेया जो बुक है ना, अपनी जो बुक लिखता है द रिपब्लिक, अपनी जो थ्योरीज देता है फिलोसोफर किंग, फिलोसोफर क्वीन की, मतलब कुल मिलाकर अपने अकाउंट्स में, अपने वर्क्स में जिक्र करता है पाइथागोरस का और पाइथागोरस थ्योरम का, उसका सारांश लिया था। मैंने आपको बताया तो था वो हैंड रिटन नोट्स में मैंने पाइथागोरस थ्योरम बनाकर दिखाई थी, a² + b² = c² याद है? गणित शास्त्र मैथमेटिक्स इट वॉज फार मोर एडवांस एज द ओल्डेस्ट डेटेबल एविडेंस ऑफ द डेसिमल प्लेस वैल्यू सिस्टम कैन बी फाउंड इन अ 3rd century वर्क ऑन एस्ट्रोलॉजी कॉल्ड द यवन जातक बाय स्फूजिद्वच। लेकिन यहां पर जीरो के बारे में मेंशन नहीं है, डज नॉट मेंशन जीरो, बट इवन एन अर्लियर वर्क, इससे भी पहले एक वर्क लिखा गया था चंद सूत्र ऑफ पिंगला, इट मेंशन जीरो सिंबल एज अ डॉट विच इज यूज इन मैट्रिक्स। वराह मीरा का जो वर्क है पंच सिद्धांत विच बिलोंग टू द गुप्ता पीरियड, इट इज अ अर्लीस्ट डेटेबल टेक्स्ट टू यूज जीरो बोथ एज अ सिंबल एंड एज अ नंबर। तो कुछ और पर्सनैलिटीज हम यहाँ पर जानते हैं
जिन्होंने साइंस एंड टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में अपना योगदान दिया अलग अलग फॉर्म में, फिर चाहे वो मैथमेटिशियन हो, एस्ट्रोलॉजर हो, एस्ट्रोनॉमर हो, ज्योमेट्री का कोई उसने वर्क लिखा हो या कुछ भी ऐसा हो। आर्यभट्ट वन, ही इज कंसिडर्ड एज फादर ऑफ एल्जेब्रा एंड अर्लीस्ट नोन एस्ट्रोनॉमर ऑफ इंडिया। एस्ट्रोनॉमर कौन होता है? वो पर्सन जो किसके बारे में स्टडी करता है, किसके बारे में? सेलेस्टियल बॉडीज के बारे में। आशमा याद है ना, सिक्स क्लास की जो ज्योग्राफी है साइड में, जो पहले दूसरे तीसरे चैप्टर उसमें साइड में इसके बारे में गिवन है ना? तो हु प्रोबेबली रेसाइडेड एट पाटलिपुत्र, यानी कि कहां रहता था? बिहार में। एंड ही रोड टू एस्ट्रोनॉमिकल टेक्स्ट, आर्य भटिया, अ टेक्स्ट विच डील्स विद एस्ट्रोनॉमी एंड मैथमेटिक्स, एंड आर्यभट्ट सिद्धांत, जो कि ये वर्क सर्वाइव नहीं कर सका है एंड इज नोन ओनली थ्रू रेफरेंसेज इन लिटर वर्क्स। फॉर एग्जाम्पल, सेवन सेंचुरी का एक कमेंटेटर था भास्कर वन, हु रोट अ कमेंट्री ऑन आर्यभटिया। इसने बोला कि आर्यभटिया जो वर्क था, ही कॉल्स आर्यभटिया द अस्मक तंत्र एंड अश्माक्या एंड द फॉलोअर्स ऑफ आर्यभट्ट एस अश्माकियास। इस वर्क को मतलब इसने नाम दिया, उसके ऊपर कमेंट्री करी है इस वर्क के ऊपर, तो उसको आर्यभट्ट सिद्धांत ना बोलकर बोलता है अस्मक तंत्र या फिर अस्मकिया। कमेंट्रेटर था भास्कर वन। आर्यभट्ट हैज ऑल्सो रिटन द सूर्य सिद्धांत विच कंटेन्स द साइन टेबल्स। आपने सुना होगा ना, ट्रिग्नोमेट्री जब हम पढ़ते हैं साइन कॉस, है ना? आप में से किसने पढ़ा ये सब ट्रिग्नोमेट्री वगैरह साइन कॉस के बारे में जानते हो? ऐसा कोई जो नहीं जानता है? सब लोग जानते हो? थप्पड़ लगाओ अपने अपने। मैथ्स के बारे में कैसे जानते हो? हिज मेथड ऑफ एक्सट्रैक्टिंग द स्क्वायर रूट, हाँ मैथ्स के बारे में जानने वाले पागल होते हैं, ठीक है। हिज मेथड ऑफ एक्सट्रैक्टिंग द, हम में से एक है, एक ज्ञानी पर्सन है, मैथ्स ऑनर्स कर रहा है शायद से, है ना? क्यों जैद? है ना जैद, गरम गरम तवा लगाओ अपने गाल पे। हिज मेथड ऑफ एक्सट्रैक्टिंग द स्क्वायर रूट एंड क्यूब रूट, इट प्री सपोजेज द डेसिमल प्लेस वैल्यू ऑफ नंबर्स, विच सर्टेनली शोज दैट इंडियन मैथमेटिशियंस स्टार्टेड यूजिंग डेसिमल सिस्टम इन द फिफ्थ सेंचुरी सी एंड दे वर मच हेड ऑफ अरब्स एंड यूरोपियंस हु स्टार्टेड यूजिंग द सेम इन द 12th सेंचुरी। अच्छा, मैथ्स की फील्ड में चलो हमारा भारत तो सबसे आगे था, लेकिन एक और कौन सी कंट्री आगे थी? हाँ ठीक है, अरब्स हैं, यूरोपियंस हैं, इसके अलावा हाँ रोमन्स है ना, हम लोग बात करते थे ना रोमन नंबर्स के बारे में। तो वो स्टार्टेड द सेम इन द 12th सेंचुरी, हम जब यूज कर चुके थे काफी सेंचुरीज के बाद, उन्होंने कम से कम 700 साल के बाद उन्होंने यूज करना शुरू करा आफ्टर लर्निंग फ्रॉम अरब्स। इवन अरब राइटर्स लाइक इब्न बाशिया, अल मसूदी एंड अल बिरूनी याद है, ट्रैवलर भी था, है ना? गिव्स क्रेडिट फॉर द डिस्कवरी ऑफ सिस्टम टू द हिंदूज। आर्यभट्ट इज नोटेड फॉर द फॉलोइंग, ही वॉज द फर्स्ट टू डिस्कवर के अर्थ अपनी एक्सेस पे ही रोटेट करता है, एंड ही ऑल्सो वर्कड आउट द करेक्ट इक्वेशन फॉर कैलकुलेटिंग द ऑर्बिट ऑफ अ प्लैनेट, एंड एक्सट्रीम एक्यूरेट एस्टिमेट इसने दिए थे ऑफ द लेंथ ऑफ अ ईयर टू बी 365.258680 डेज, ठीक है। ही वॉज द फर्स्ट एस्ट्रोनॉमर टू गिव अ साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन ऑफ एक्लिप्सिस। एक्लिप्सिस क्या होता है? ग्रहण, ठीक है। एज ही एस्टैब्लिश्ड दैट दे आर नॉट कॉज्ड बाय सम डेमन्स, मतलब लोग ये सोचते थे कि शायद से कोई काला साया है, जादू है, टोना टोटका हुआ है, बट बाय द मून कमिंग बिटवीन द अर्थ एंड द सन। ही ऑल्सो वर्क आउट हाउ टू एसर्टेन विच पार्ट ऑफ द मून वुड बी ऑब्सक्योर्ड ड्यूरिंग एन एक्लिप्स, कौन सा ज्यादा प्रभावित होगा, कौन सा ढकेगा अर्थ को। ही फाउंड आउट द साइन फंक्शंस एंड यूज देम इन एस्ट्रोनॉमी एंड लेड फाउंडेशंस फॉर ट्रिग्नोमेट्री। ही ऑल्सो मेड टेबल्स फॉर द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो साइन
फॉर एंगल्स फ्रॉम 0 to 90 degree। जैसे आपको पता ना हम ये ऐसे बनाते हैं, ये कितना एंगल हुआ, ये कितना है 90 degree। और अगर मैं ऐसे लेकर जाऊँ, ये कितना हुआ, ये कितना हुआ, ही वॉज द फर्स्ट टू इन्वेंट जीरो एंड टू रिकमेंड द यूज ऑफ द डेसिमल सिस्टम। ही प्रिस्क्राइब्ड द वेरियस प्रॉपर्टीज ऑफ अ सर्कल एंड गेव अ वेरी एक्यूरेट वैल्यू ऑफ पाई, करेक्ट टू फोर डेसिमल्स एट डेसिमल प्लेस एट 3.1416। और पाई कितना होता है वैसे, जब हम उसको निकालेंगे तो क्या आएगा, ये रहा समथिंग समथिंग, ये रहा। ठीक है, ही ऑल्सो परफेक्टेड द मेथड्स ऑफ सॉल्विंग इनडिटर्मिनेट इक्वेशंस इन इंटीजर्स प्रॉब्लम। ठीक है, आशिमा ये है वो पर्सन जिसकी वजह से तुम क्लास से बाहर खड़ी रहती थी। ठीक है, ये सब वो जो पढ़ कर आए ना। अच्छा जैद, आपने जो मैथ्स ऑनर्स की तो कुछ सोच समझ के लिया होगा, क्या सीखा आपने जिंदगी में मैथ से, इसने क्या सिखाया आपको? नहीं नहीं मतलब मेरे सामने मत बोलो, वैसे कुछ सोच समझ के लिया होगा ना। इंटरव्यू में आपसे पूछे भाई आपने मैथ्स ऑनर्स करी हुई है, चेयरमैन खड़े होकर सल्यूट मारे आपको, तो मतलब क्या सीखा आपने मैथ से, क्या बोलोगे? वराह मीरा, ये पहला हो गया अपना आर्यभट्ट वन, फिर है वराह मीरा। ही वॉज अ 6th century एस्ट्रोनॉमर एस्ट्रोलॉजर। एस्ट्रोलॉजर कौन होता है, जो क्या करता है, ज्योतिष विद्या, ज्योतिष विद्या। ठीक है, मैथमेटिशियन एंड अ स्कॉलर। हु वॉज वन ऑफ द नवरत्न ऑफ चंद्रगुप्ता गुप्ता टू के कोर्ट में। ठीक है, एंड ही बिलोंग टू अवंती। इसका एक फेमस वर्क था पंच सिद्धांतिका, इट समराइज 5 एस्ट्रोनॉमिकल स्कूल्स। बृहद संहिता, ये एक इंसाइक्लोपीडिया वर्क है, मतलब पूरा डिटेल। इंसाइक्लोपीडिया क्या कहते हैं हम लोग, जो इसके बारे में ए टू जेड सब कुछ गिवन हो। डीलिंग विद डाइवर्स टॉपिक्स सच एज हाउ टू एसर्टेन द वैल्यू ऑफ प्रीशियस मेटल्स एंड स्टोन्स, हाउ टू शार्पन सॉर्ड्स, हाउ टू मेक ट्रीज बियर फ्रूट आउट ऑफ सीजन, हाउ टू डिस्टिंग्विश द गुड ब्रीड ऑफ एनिमल्स। कैसे ये पता लगाना है कि पानी कहाँ मिलेगा। अब पानी पता लगाने की प्रक्रिया क्या थी, मैंने आपको क्या बताई थी, कैसे पता लगा सकते हैं हम लोग, कौन से फ्रूट से, नारियल से, कोकोनट से, है ना। एक्सप्लेनेशन ऑफ सीजन्स एंड मेट्रोलॉजिकल इश्यूज सच एज कोरिलेशन बिटवीन द क्लाउड्स विंड्स एंड अमाउंट ऑफ रेनफॉल। ठीक है, उसके बाद ब्रह्मगुप्त, ही वॉज द लेट 6th to 7th century एस्ट्रोनॉमर एंड वेल नोन मैथमेटिशियन हु मेड इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशन टू ज्योमेट्री। ये पहला मैथमेटिशियन था टू डिस्कस द मेथड ऑफ ऑब्टेनिंग का साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल having rational sides, and he determined the formula to find the area of cyclic quadrilateral, the circumdiameter of a triangle, and the diagonals of a circle quadrilateral in terms of its sides. Very good. He also wrote Brahma's Put Siddhant in 628 CE, in which he hinted at the law of gravitation and Khand Khadyak 665 CE के अंदर, कवरिंग सच टॉपिक्स ऐसा लॉन्गिट्यूड्स ऑफ द प्लैनेट्स। लॉन्गिट्यूड्स क्या होता है, वर्टिकल लाइंस या फिर हॉरिजॉन्टल लाइंस, वर्टिकल। डायनल रोटेशन, लूनर एंड सोलर एक्लिप्सिस, राइजिंग एंड सेटिंग ऑफ द सन, मून्स क्रिसेंट, क्रिसेंट पता है ना ये, चिंता मामा, एंड कंजंक्शन ऑफ द प्लैनेट्स।
ही ऑल्सो रेफर टू स्वयंवाह यंत्र सिग्निफाइंग कॉम्प्लेक्स ऑटोमेटिक डिवाइसेस विच रिफ्लेक्ट्स एंड अवेयरनेस ऑफ द आइडिया ऑफ परपेचुअल मोशन टू। फिर महावीर, ये वर्तमान महावीर नहीं है, ये अलग महावीर है। अ फेमस 9th सेंचुरी मैथमेटिशियन ऑफ कर्नाटका, अबे मैथ्स के अलावा कुछ मिलेगा यहाँ पे? हु लिव्ड इन द कोर्ट ऑफ राजकोट किंग अमोघवर्ष, इसने किताब लिखी थी कॉल्ड गणित सार संग्रह विच डील्स विद वेरियस मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स। ही प्रोड्यूस फार्मूला फॉर द एरिया एंड सरकमफ्रेंस ऑफ एन एक्लिप्स, दो दीज फार्मूला वर लेटर डिस्कार्डेड एज इनकरेक्ट। सर्कल की सरकमफ्रेंस एरिया कम पड़ जाती है जो एक्लिप्स की भी सरकमफ्रेंस देने चला है उल्लू। भास्कर टू, ऑथर ऑफ लीलावती रिटन इन 12th सेंचुरी विच कंटेन्स इंपॉर्टेंट आइडियाज ऑफ कैलकुलस। वाग्भट, ही वॉज डिसाइपल ऑफ चरक, याद है चरक समेत ऑफ आयुर्वेद वाला चरक, एंड डिस्टिंग्विश्ड फिजिशियन ऑफ आयुर्वेदिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन फ्रॉम 600 CE। ही रोड अष्टांग अरिद्य मीनिंग हार्ट ऑफ मेडिसिन एंड अष्टांग समग्र मीनिंग टोम ऑफ मेडिसिन। महर्षि पालकाप्य, ही रोट हास्य आयुर्वेद अ ट्रीटाइज डीलिंग विद डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट ऑफ द मेजर डिसीजेस ऑफ एलिफेंट्स थ्रू मेडिकेशन एंड सर्जरी। धन्वंतरी, ही वॉज फेमस फॉर हिज नॉलेज ऑफ आयुर्वेद। कश्यप, ही वॉज अ 7th सेंचुरी फिजिशियन डॉक्टर हु कंपाइल्ड हिज आयुर्वेदिक नॉलेज इन अ कंपेडियम विच डेल्ट विद डिसीजेस ऑफ वुमेन एंड चिल्ड्रन। सुश्रुत, द फेमस ऑथर ऑफ सुश्रुत संहिता विच डील्स विद सर्जरी। इट कंटेन्स 6 सेक्शंस मेनली फोकसिंग ऑन द ट्रीटमेंट ऑफ वूंड्स, एक्सट्रैक्शन ऑफ स्प्लिंटर्स। स्प्लिंटर क्या होता है? जैसे कोई फांस सूख जाती है, जानते हो, छोटी सी कोई आपने लकड़ी पकड़ी या कुछ पकड़ी तो उसकी जो फांस या जो जिसको कहते हैं खौप एक हो जाती है ना हाथ में, तो हम क्या करते हैं ऑल पिन या सेफ्टी पिन से खोद खोद कर जैसे खाल को उससे निकालते हैं ना। उसके बाद सटरिंग, एम्ब्रायोलॉजी, एनाटॉमी, पॉइजन, रिमूवल ऑफ कैटरैक्ट, रिमूवल ऑफ स्टोन्स इन द ब्लैडर, देख रहे हो उस जमाने के अंदर। टेक्स्ट ऑल्सो रेफर्स टू प्लास्टिक सर्जरी विच डिटेल्ड रेफरेंसेज टू राइनोप्लास्टी वेयर इन अ फ्लैप ऑफ स्किन इज ग्राफ्टेड टू रिपेयर अ सीवर्ड नोज एंड द रिपेयर ऑफ टॉर्न ईयर लोब्स। इट ऑल्सो मेंशंस ऑफ स्टडी ऑफ ह्यूमन एनाटॉमी बाय डिसेक्टिंग कॉर्पसेस, मतलब जो मृत शरीर है उसका चीर फाड़ कर ये पता लगाना, ठीक है। मेटलर्जी क्या होता है? मेटल्स की मिक्सिंग करना, और ये भी हो सकता है कि उसके अंदर प्योर मेटल से कुछ बनाया जा रहा हो या फिर अलॉय को मिक्स करके कुछ बनाया जा रहा हो, ठीक है, इट्स मेल्टिंग, है ना। इट ऑल्सो सो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट इन गुप्ता टाइम्स, जो ब्रॉन्ज इमेजेस हैं बुद्धा की दे प्रोड्यूस अ कंसिडरेबल विच वर प्रोड्यूस ऑन अ कंसिडरेबल स्केल ड्यूरिंग दिस पीरियड, ये एडवांस टेक्नोलॉजी के नमूने हैं। सिमिलरली दिल्ली के अंदर मैरौली में जो आयरन पिलर है जो खुले आसमान में खड़ा हुआ है, आज तक उस पर रस्टिंग नहीं हुई है। इवन आफ्टर 15 सेंचुरीज इट स्पीक्स वॉल्यूम्स ऑफ द आयरन टेक्नोलॉजी प्रिवेलिंग इन द गुप्ता पीरियड। द वंडरफुल पेंटिंग्स ऑफ अजंता, आज भी उनका कलर जैसी जो इंटैक्ट है, इट इंडिकेट द आर्ट ऑफ मेकिंग कलर्स वॉज अनमैच्ड इन दिस पीरियड। ये आयरन पिलर के ऊपर रस्टिंग क्यों नहीं हुई है? नहीं, फिर भी होना, मतलब रस्टिंग तो फिर भी होना चाहिए ना, इतने साल हो गए, आज तक इसकी परफेक्ट एक्सप्लेनेशन कोई नहीं दे पाया। हम नहीं जानते, ये रास इन्हीं के साथ चला गया। तो इस डिस्कशन में दोस्तों फिलहाल इतना ही, रिमार्केबल अचीवमेंट रही है हमारी 48 आवर्स के अंदर, हम लोगों ने 2 दिन के अंदर इस चैप्टर को कॉम्प्रिहेंसिवली वर्ड टू वर्ड ख़त्म कर दिया, और इसी के साथ हमारी ख़त्म होती है एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री UPSC के पर्सपेक्टिव से। ऑब्वियसली बात है देर इज़ ऑलवेज अ स्कोप ऑफ लर्निंग एंड इम्प्रूवमेंट।
फॉर एग्जाम्पल कृष्णा रेड्डी की बुक से कुछ कुछ हम सीख सकते हैं, उपेंद्र सिंह की बुक से बहुत कुछ हमें फैक्ट मिलेंगे, लेकिन वो हम धीरे धीरे करके सीखते चलेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन, चैप्टर हमारा कंप्लीट हुआ।